अब आप देखें कि एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कैसे ये ऑप्शंस की बाइंग सेलिंग होती है या अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है तो आपको क्या करना चाहिए क्या आपको ऑप्शन में जाना चाहिए या उस पैसे से जो आपके पास इस वक्त अवेलेबल हैं उससे आप शेयर ख़रीद लें तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है देखिएगा These are contracts that gives the purchaser the right to buy call option or sell put option as a specified quantity. For example, a financial instrument, commodity or currency at a specified price. जैसे मैंने कहा ना कि call option ज़रूरी नहीं शेयर के लिए ही हो, ये commodity के लिए भी हो सकती है, currency के लिए भी हो सकती है। मतलब जैसे आपको डॉलर चाहिए, तो पहले से एक rate pay कर लें आप, कि इतने में आपको मैं दूँगा, इतने में मैं आपको खरीदूँगा. Again, option की price है, as I said clearly. अब इसमें देखिए अक्रम विलिंग टू बाई वन थाउजेंड शेयर ऑफ ए लिमिटेड विच आर ट्रेडिड एट रुपीज ट्वेंटी पर शेयर मार्केट में बीस रुपए का चल रहा है और फर्स्ट जनवरी बट ही डज नॉट हैव ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज यानी दस हज़ार शेयर अगर एक हज़ार शेयर खरीदना चाहता है तो उसके पास बीस रुपए के हिसाब से बीस हजार रुपया होना चाहिए तो वो नहीं ख़रीद सकता ही इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड थर्टी फर्स्ट मार्च और वो एक्सपेक्ट कर रहा है फिर ट्वेंटी फर्स्ट मार्च को उसके पास पच्चीस हजार रुपये आ जाए तो अगर वो आज ऑप्शन ख़रीद लेता है तो आपको थर्टी फर्स्ट मार्च को पच्चीस हज़ार में से बीस हज़ार के शेयर मिल जाएंगे जो प्राइस अगर इस पे तय हो जाता है दस रुपये पर ना ही इज एक्सपेक्टिंग टू गेट ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन मार्च ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी टू थाउजेंड वन ही हैज़ ओनली टू थाउजेंड उसके पास हैं सिर्फ दो हज़ार रुपये अब दो हज़ार रुपये से वो बीस हजार के शेयर खरीदना चाहता है थर्टी फर्स्ट मार्च एंड ही कैन अच्छा अगर नहीं तो वो क्या कर सकता है ही कैन ओनली बाई हंड्रेड शेयर नाउ अगर वो दो हजार रुपए से शेयर खरीदना चाहेगा तो बीस रुपए का एक शेयर है तो आपको सौ शेयर मिलेंगे तो क्या करना चाहिए उसे क्या शेयर खरीदे या दो हजार रुपए के ऑप्शन खरीदे ये हमने तय करना एलिमिटेड ऑप्शन आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज टू रुपी पर ऑप्शन आपके पास कितने हैं दो हज़ार तो एक ऑप्शन में दो रुपए का है तो आपको एक हजार ऑप्शन मिल जाएंगे ही कैन बाई वन थाउजेंड ऑप्शन नाव विच एंटाइटल्ड टाइटल्ड हीम टू राइट टू बाई वन थाउजेंड शेयर ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एट रुपीज ट्वेंटी फाइव स्टार्टिंग प्राइस क्या तय हुई है ट्वेंटी फाइव यानी करंट प्राइस तो बीस रुपये है लेकिन चूंकि दे आर एक्सपेक्टिंग फ्लक्चुएशन तो वो पच्चीस पर तय हो रहा है ऑप्शन प्राइस इज लिंक्ड विद द शेयर प्राइस जैसे मैंने कहा ना कि ऑप्शन की प्राइस शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ेगी अगर शेयर की प्राइस कम होगी तो ऑप्शन की प्राइस भी कम होगी मार्केट प्राइस ऑफ शेयर चेंजेस ऑन डेली बेसिस प्राइस ऑफ ऑप्शन विल अज्यूमिंग दैट द मार्केट प्राइस ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इज ट्वेंटी एट अब देखें खरीदने वाले को तो पच्चीस में मिलेगा लेकिन बेचने वाले को अट्ठाईस में ख़रीद कर देना पड़ेगा अब देखना ये है कि करना क्या है उसे विच ऑप्शन इज मोर बेनिफिशियल टू बाई द शेयर और टू बाई दिन ये हमने तय करना देखिए अगर हम शेयर बाई करते हैं तो दो हजार रुपये में आपको कितने शेयर मिलेंगे जी सौ देखिए बीस रुपये का एक शेयर है और दो हजार से तकसीम करें तो सौ शेयर आपको मिलेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होगी दो हजार रुपया तो आपने डेबिट किया इन्वेस्टमेंट दो हजार से और कैश क्रेडिट कर दिया दो हजार अब आपके पास दो हजार के शेयर्स हैं आपके पास ऑप्शन नहीं है आप इसी को लेकर चलेंगे थर्टी फर्स्ट मार्च को ये हो जाए अट्ठाईस रुपये का एक शेयर हो जाता है तो आपके पास कितने शेयर थे सौ तो कितने में बेचेंगे आप अट्ठाईस रुपये के हिसाब से दो हज़ार आठ सौ रुपये में आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी दो हज़ार तो आपको गेन हो जाएगा आठ सौ रुपये अब ये जो गेन है आपको कितनी अमाउंट पर हुआ दो हज़ार पर तो एक परसेंटेज आप निकालें तो वो बनता है फोर्टी परसेंट यानी अगर आप ऑप्शन में नहीं जाते सिंपली शेयर ही खरीद कर रख लेते हैं तो आपको मिलेंगे सौ शेयर और सौ शेयर पर आपको आठ सौ रुपए का प्रॉफिट होगा और अगर परसेंटेज में देखें तो उसमें आपको चालीस परसेंट का प्रॉफिट हुआ अब लेट्स सी अगर वो ऑप्शंस खरीदता है तो फिर क्या होता है अगर वो ऑप्शन खरीदता है तो देखिए दो रुपए का एक ऑप्शन है तो उसको हजार ऑप्शन खरीदने हैं दो हजार में तो वो इन्वेस्टमेंट वैसे तो आप यही कहेंगे इन्वेस्टमेंट ही हम कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट ही की है तो दो हजार रुपये से आपने इन्वेस्टमेंट की और आपने कैश पे कर दिया दो हज़ार अब थर्टी फर्स्ट मार्च को क्या हुआ कि आपने पहले शेयर खरीदना है पच्चीस हज़ार रुपये मिलेंगे ना आपको जो शुरू में तय किया हमने तो पच्चीस हज़ार की आपको मजीद इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी टू बाई द शेयर तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट करेंगे आप पच्चीस हज़ार से और क्रेडिट करेंगे आप कैश को पच्चीस हज़ार से अब आप देखें आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई दो हज़ार आपने ऑप्शन खरीदे और पच्चीस हज़ार के आपने शेयर खरीदे अच्छा अब आपने इसको थर्टी फर्स्ट मार्च को बेच भी देना है ख़रीदना भी है और बेचना भी है अब बेचा है तो आपने अट्ठाईस रुपये के हिसाब से बेचा तो वहाँ आपको मिलेंगे अट्ठाईस हज़ार रुपये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी सत्ताईस हज़ार तो देखिए आप कैश डेबिट करें अट्ठाईस हज़ार से और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करें सत्ताईस हज़ार से और जो गेन हुआ आपको इसमें एक हज़ार आप कहेंगे पहले के इसमें डिफरेंट था गेन इसमें कम लेकिन आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है इसमें इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ दो हज़ार रुपये शुरू की तो दो हज़ार रुपये पर अगर आपको एक हज़ार का गेन हो रहा है तो इट मींस कि आपको जो परसेंटेज गेन आया है वो फिफ्टी परसेंट है असल में ये है सारी स्टोरी कि आप ऑप्शन में जाते हैं तो चांसेस आर देयर कि आपको फ़ायदा ज़्यादा हो जाए ये तो मैंने छोटी सी एग्जांपल ली है लोग इसमें बड़ी बड़ी फ़िक्रों में चलते हैं कि अगर तो प्राइस बढ़ रही है तो फिर तो फ़ायदा होगा लेकिन अगर शेयर की प्राइस या कमोडिटी की प्राइस गिर रही है तो फिर आपको नुकसान भी है और नुकसान से बचने के लिए यही होता है कि आप उसको फॉरगो करते हैं और जो ऑप्शन की प्राइस आपने पे की है वो आपका लॉस हो जाएगा तो डिपेंड करता है कि आप लॉस सीख रहे हैं या लॉस अवर्सर हैं तो नॉर्मली इसमें लॉस और गेन तो होगा जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है इसी एक को प्रॉफिट हो रहा है तो दूसरे को नुकसान होगा हमेशा याद रखें अगर किसी को प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को नुकसान भी हो रहा होता है तो डिपेंड करता है कि हमें क्या करना चाहिए और ये इसीलिए गैमलिंग कहते हैं इसे कि आपके पास है तो नहीं पैसे फॉर द टाइम भी लेकिन आपने दो हज़ार लगा दिए ऑप्शन में तो अब वो ऑप्शन में आपको कुछ रिकवरी होती है कि नहीं होती है दैट इज़ अनदर क्वेश्चन क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको रिकवरी हो जाए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जीरो हो जाएं तो आपका टोटल लॉस जो है वो दो हज़ार रुपया हो जाएगा अगर आपको रिकवरी नहीं होती हाँ अगर रिकवरी होती है तो जैसे आपने देखा इस केस में कि अगर आप शेयर ख़रीदते हैं तो आपको चालीस परसेंट प्रोफिट मिलता है लेकिन अगर आप ऑप्शन ख़रीदते हैं और ऑप्शन के बाद शेयर ख़रीद कर बेचते हैं तो आपका प्रॉफिट फिफ्टी परसेंट परसेंट ज़्यादा हो जाता है तो डिपेंड करता है कि हमें क्या करना चाहिए लेकिन बड़ी एहतियात की ज़रूरत है ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली आप इसमें जंप कर लें ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट किस्म की मार्केट है आप जब तक इसके इन एंड आउट को नहीं समझेंगे आप इसमें नहीं जाएंगे इसलिए कि टेक्निकली इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब कि आप कैसे फोर्स ही करेंगे कि कल को प्राइस क्या होने वाली लेकिन चूंकि आपने एडवांस में एक चीज़ तय करनी है तो आपके जेह में होना चाहिए कि हमारी क्या प्राइसेस होंगी और कीपिंग इन माइंड कुछ लोग जो है इसमें बड़ी टेक्निकली देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज लगाते हैं कुछ और बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं इसमें उसके बावजूद आपने जो प्रडिक्ट किया है वो ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो आपने प्रडिक्ट किया है उसमें फ्लक्चुएशन होगी और उस फ्लक्चुएशन ही की वजह से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है और इसी में लोग गेमलिंग करते हैं कि सोचते हैं कि फ़ायदा हो जाएगा लेकिन एंड ऑफ द डे लॉस भी हो जाता है तो दैट इज़ हाउ दिस options are traded in the market thank you very much.